हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत टेस्टी लगती है। और इसके साथ कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बटर के साथ इस तरह से स्प्रेड करके भी ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुंह में घुल जाने वाले पराठे हैं, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, हमारे पराठे की रेसिपी हम शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने इस तरह से बारीक चॉप करके ले ली थी, उसे प्याज को हम इस तरह से नरम कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा कीमा डाल देंगे, जितना आपको लगता है आप उतना डालिए, मैंने पाव किलो डाला था। इस तरह हम सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर है, और ये पाव चम्मच मैंने हल्दी डाली है। नमक डाला है, नमक आप अपने हिसाब से लें। ज़ीरा है आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, और ये हरी मिर्च है, दो से तीन हरी मिर्च है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट के लिया है। और ये कड़ी पत्ता है, 10 से 12 पत्ते हैं, उसे बारीक अच्छी तरह से काट के लिया है। कीमे को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें आलू डालेंगे, 3 से 4 आलू हैं। आलू को मैंने उबाल कर इस तरह से मैश करके लिया है, और ये कोथमीर है। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे कीमे के साथ। हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है। अब हम आटा गूंद लेंगे। आटे को अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंदना है। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो आधा गेहूं का और आधा मैदे का भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ गेहूं का लिया है। अब हम चलते हैं पराठे बनाने के लिए। ये मैंने आटा लिया है पराठे के साइज़ का, इस तरह ऐसे ऐसे सूखे आटे में डीप गया है। ऐसे हल्के से बेल लेंगे, इस तरह हाथों से भी हम कर सकते हैं, हाथों से करें ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से थोड़ा सा इसे बड़ा करना है हाथों से। और इसमें जो हमारा मसाला आलू और कीमे का हमने बना के रखा था वो ले लेंगे, जितना हमने आटा लिया था उससे थोड़ा सा कम हमें मसाला लेना है। इस तरह से हम आलू के अंदर इसको डालते जाएंगे आटे के अंदर, इस तरह से इसे पैक करते जाएंगे। ये जो हमारा बचा हुआ आटा है इसको हम ऊपर से इसे तोड़ लेंगे पूरी तरह से पैक होने के बाद। ये देखिए, इस तरह से इसे तोड़ लेना है एक्स्ट्रा आटा, और उस आटे में वापस इसे डाल देना है। ये हमारा अच्छी तरह से पराठे का डो पैक हो गया है। इसे फिर से सूखा आटा लगाएंगे, और हल्के हाथों से हमें बेलना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है इसे, वरना हमारा पराठा फट जाएगा। इस तरह से हम धीरे से हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से बेल रही हूँ, हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि ये पराठा है, रोटी नहीं है। बस इसी तरह से इतने ही साइज़ का बनाना है। ये जो मसाले के ऊपर आटे की पतली लेयर दिख रही है आपको, ये बहुत टेस्टी लगती है। अब हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तवे पे हमें बिल्कुल भी तेल या कुछ भी डालना नहीं है, तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है, सीधा डायरेक्ट हमें पराठे को डाल देना है। एक साइड से थोड़ा सा सेकने के बाद हम पराठे को पलट देंगे। पराठे को पलटने के बाद जब दूसरी तरफ से थोड़ा सा बबल्स आने लगे तो हमें इसमें घी डालना है। मैंने 1 चम्मच घी डाला है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर घी का इसमें टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, और घी की वजह से पराठे हमारे एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनते हैं। दूसरी साइड से भी हमें अच्छी तरह से सेक लेना है।
देखिए मैंने दूसरी साइड भी घी ऐड कर दिया है इसके अंदर। पलट कर फिर से सेक लेंगे इसे। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा घी डाल के हमें सेक लेना है। पहले बिना घी के सेकना है, उसके बाद घी डाल के सेकना है या फिर तेल डाल के सेकना है। हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से घी डाल के सेक लेना है। अब हम पलट देंगे इस तरह से। अब हमारा पराठा रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बना के सेक लेंगे। सारे पराठों को मैंने इसी तरह से बना के सेक के इसी तरह से रेडी कर लिया था, घी के साथ सेक के। आपको इसके साथ कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉसेस की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ अभी। ये मैंने मस्का स्प्रेड किया है इसके ऊपर। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। इन कीमे और आलू के पराठों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें। और इस तरह से पराठे बनाकर आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर पराठे आपके अच्छे बनते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। चलिए अब मैं अपने पराठे इंजॉय करती हूँ, आप भी इसी तरह से बना के इंजॉय करिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।